लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारथी 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 कर्ण माता पिता का आशीष पुत्र के साथ हो तो पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं। माता पिता का विश्वास पुत्र के लिए आत्मविश्वास बनकर रक्त पिता का चालू हो रहेगा। अवश्य तुम्हें तुम्हारे क्षमता के योग्य सम्मान मिलेगा। तुम लोग एक साथी के रूप में नहीं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में पहचाने गए। तुम्हें सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी। तुम्हें लोग महारथी महारथी कौन कहकर पुकारेंगे। यह तुम्हारे पापों का आशीर्वाद है। जब तक समाज में जाति और गोत्र के आधार पर क्षमता को मापा जाता है, जब तक समाज में गुरु अपने शिष्यों का चयन जाति के आधार पर करते हैं, मैं तुम्हारा स्थान और अधिकार तुम्हें दिलवा कर रहा हूं। मैं जानता हूं पुत्र, अंगराज का सिंहासन तुम्हारा स्वप्न नहीं है। तुम्हारा स्वप्न है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना। तुम्हारा स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा। तुम्हारा अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त। प्रणाम ताची। सदा सुखी रहो। बैठो पुत्रवधु। पुत्रवधु, कोई विशेष प्रयोजन? हाँ ताची, अपने पुत्रों के अधिकार का निर्णय मैं आपको सौंप चुकी हूँ। अब उस निर्णय की प्रतीक्षा है मुझे। यदि अधिकार सम्मान से प्राप्त हो जाए तो संबंध मत भूलना, और यदि अधिकारों को प्राप्त कटुता आ जाती है तो इससे संबंधों का मधुर बना रहना। कटुता का तो प्रश्न ही नहीं उठता ताजी। मेरे पुत्रों के प्रति दीदी गंधारी का प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम उस संबंध की चर्चा नहीं कर रहे हैं पुत्र। हम पुत्र धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं जो दुर्भाग्यवश पात्र दुर्योधन के द्वारा संचालित है। अधिकारों के विभाजन में यदि कोई बाधा है तो वो है मात्र दुर्योधन का हट। मैंने तो आपसे पहले ही प्रार्थना की थी कि आप हमें ऋषि किंदन के आश्रम में ही रहने दें। आश्रम की मर्यादा, हमें अधिकार और सिंहासन की परिधि से बहुत दूर रखे हुए थे। मैं अपने पुत्रों के साथ वहां प्रसन्न थी ताज। यदि तुम यह कहना चाहते हो कि तुम सबको किंगडम ऋषि के आश्रम से यहां हस्तिनापुर ला, हमने कोई भूल की तो हम वचन भट अपने प्रिय पांडु को प्रिय हुए वचन को पूर्ण किया। वचन की मर्यादा हस्तिनापुर की इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए कौरवों और पांडवों को उनके यदि दुर्योधन नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों को अधिकार मिले तो मैं उसकी भावनाओं को खुश नहीं कर सकता। यदि अधिकार की बात हमारे पुत्रों ने नहीं सुनता तो मैं उन बातों को महत्व नहीं देना चाहता। बात महत्व की नहीं है पुत्र, बात अधिकार। और यदि अधिकारों की बात को महत्वहीन बना तुझे अन्याय होगा। तुम्हारे पुत्रों को अधिकार मिलना नहीं चाहिए। इसके लिए हम स्वयं धृतराष्ट्र से वार्ता करेंगे और तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे पुत्रों को क्या।
उनका पुत्र भीष्म यहां है और उसके कोई परंतु इस विषय पर मैं अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। ऐसी क्या व्यवस्था है जो तुम्हें अंतिम निर्णय तक पहुंचने में बाधा देती है? मैंने कई बार पुत्र दुर्योधन से इस संबंध में चर्चा की, उसे समझाने का प्रयास भी किया, परंतु पुत्र दुर्योधन है कि समझता है अधिकारों का निर्णय तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। इसमें पात्र दुर्योधन से पूछ कर निर्णय लेने का प्रश्न ही कहां होता है। जो न्यायोचित हो उसे करना ही राजा का धर्म। धर्म और नीति की बातें हम भी जानते हैं, परंतु पुत्र के परामर्श में दुनिया कभी न्यायोचित निर्णय नहीं ले सकता। यदि तुम पुत्र के मोह बंधन में बंधकर अन्याय कर बैठते तो दंड के भागी भी तुम ही हो। इसलिए हे हस्तनापुर नरेश, तुम्हारे लिए पुत्र मोह में पड़कर निर्णय लेना उचित नहीं। उचित और अनुचित के बीच एक पिता की विवशता और मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं एक पिता भी हूं। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि एक पिता होने के साथ साथ तुम ज्येष्ठ पिता से भी हो, हस्तिनापुर के महाराज भी हो, उस हस्तिनापुर के जिसे भरत वंशियों के शासन का गौरव है। भरत वंश की प्रतिष्ठा कलंकित न करो। मैं क्या करूं ताश्री, मैं क्या करूं? अपने दायित्वों को पहचानिए महाराज, इसमें जो उचित हो वही कीजिए महाराज। ताश्री, मुझे सोचने का कुछ और अवसर दीजिए। अच्छा नहीं होता जी जनाब, पांडवों के अधिकार आपसे बात की, उसका पहले जनमनन कीजिए, उसके पश्चात ही आप निर्णय बता सकते हैं। पितामह के परामर्श के अभी मैं पुत्र दुर्योधन के अधिकारों का हनन तो नहीं कर सकता। मेरे लिए तो कोई भी निर्णय करना कठिन ही नहीं। आप कदाचित ठीक कह रहे हैं जीजा महाराज, भांजे दुर्योधन का हट भी तो अनुचित नहीं है, और यदि उसकी बातें उचित हैं तो आप उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? बात पक्ष लेने की नहीं है भ्राता शकुने, बात तो समस्या को हल करने। अनुज वधु कुंती ने उत्तराधिकार का प्रश्न उठा दिया है, ताश्री का परामर्श भी न्यायोचित है। अनुज पांडु के स्वर्गवास के पश्चात पांडु पुत्रों का उत्तरदायित्व भी हमारे ही कंधों पर आ गया है। कुछ ना कुछ निर्णय तो करना ही होगा भ्राता जी। निर्णय लेने का कार्य तो महाराज का होता ही है जीजा, आप निर्णय लेंगे, किंतु जहां तक निर्णय लेने की ही है औसत की बात वो हम आपको बताते हैं। हाँ हाँ, एक भाव है। यदि बहन कुंती और उनके पुत्रों को कुछ समय के लिए बार बार भेज दिया जाए
आपको भी सोचने का समय मिले और उनकी भी जलवायु परिवर्तन करें। मैंने कोई आपको अनुचित परामर्श नहीं दिया। नहीं नहीं दाता शकुनी, ये क्यों उत्तम परामर्श है? अति उत्तम। वाणावत की जलवायु भी अच्छी है और इन लोगों के जाने से हम सोचने समझने का, परंतु एक बात निश्चित है, मैं अपने पुत्रों के अधिकार में तुम इस बात का ध्यान रखना शुक्र है। ऐसा ही होगा जब मेरे होने वाले आपके पुत्र और मां जो बात का कोई नहीं छीन सकता। अधिकार के साथ मेरा है, केवल मेरा योगा और मैं इसका विभाजन किसी भी मंडले पर होने नहीं दूंगा। अधिकारों के सिवा मैं भले ही पूछता पड़ती किंतु एक बात उनसे मिलने की तो मेरी भी हार्दिक इच्छा थी, किंतु किंतु परंतु का समय नहीं है मित्र। मैं तुम्हें एक परामर्श दूं, तुम परशुराम को अपना गुरु क्यों नहीं मना लेते? भाग्यशाली रहा तो भविष्य में कभी आना शुरू तुम्हारी ख्याति सुनकर अति प्रसन्नता हो रही है द्रोण। किसी भी गुरु के लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है कि उसके शिष्य ने प्रतिष्ठा और सम्मान की ऊंचाइयों को छुआ हो। इसका सारा श्रेय आपको जाता है गुरुदेव। आपके आशीर्वाद और शिक्षा के बिना यह असंभव था। गुरुदेव, यह है मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन। रंगभूमि की इस प्रतियोगिता में इसने यह सिद्ध कर दिखाया कि हस्तिनापुर का ही नहीं संपूर्ण आर्यवर्ग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ऐसा कुशल धनुर्धर संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी प्रशंसा में तुम भूल जाते हो कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे ये शिष्य तुमसे भी बड़ा धनुर्धर है? क्या तुम इस बात का विस्मरण नहीं कि गंगा पर भीष्म के धनुष की डंकार की गूंज से चल अचल सभी कंपायमान हो जाते हैं? क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारे गुरु परशुराम का भी इस धरती पर कोई अस्तित्व है? अपने शब्दों और भावनाओं को अनुशासन में रखना सीखो द्रोण। शिष्यों को मर्यादा में रखना भी गुरु का ही दायित्व होता है। उन्हें सही दिशा दो, शिक्षा और मार्जन की कोई सीमा नहीं, ये तो असली किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता का कोई अंतर बिंदु नहीं होगा। मेरी दीक्षा को मत भूलो द्रोण। जैसे शिक्षा को अपने शिष्यों को दोगे वैसा ही फल पाओगे। उनमें ईर्ष्याजन्य प्रतियोगिताओं को बढ़ावा मत दो, उन्हें वैमनस्य के मार्ग पर मत डालो। अपने मन से प्रतिशोध की भावना को निकाल
अन्यथा इसका परिणाम सुखद नहीं होगा। गुरुदेव, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप हस्तिनापुर का आतिथ्य स्वीकार करें। इससे हम सबके साथ साथ हस्तिनापुर को भी आपके आशीष का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारा आतिथ्य मुझे स्वीकार है गंगा पुत्र, किंतु मैं एक ब्राह्मण और शिक्षा दान द्वारा ही जीवी को पार्जन चलाना अपना धर्म समझता हूँ। इसलिए मैं राज्य का आश्रय नहीं ले सकता। यदि मैं हस्तिनापुर चला गया तो शिष्यों की शिक्षा में बाधा पहुंचेगी, परंतु मेरा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों के साथ है और रहेगा। गुरुदेव, क्या इन दिनों आप अपने शिष्यों को धनुर्वेद की दीक्षा दे रहे हैं? दे तो रहा हूँ गंगा पुत्र, परंतु क्या गुरुदेव, परंतु तुम्हारे और द्रोण जैसे शिष्यों का भाव निरंतर घटकता है। कैसा युग आ गया है गंगा पुत्र, आजकल के शिष्य साधना को दंड समझते हैं और ज्ञान अर्जन सहजता से करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि शिक्षा सहजता से अर्जित नहीं की जा सकती, और एक मैं हूँ जो जीवन के इस मोड़ पर भी एक योग्य शिष्य की प्रतीक्षा हूँ। देखता हूँ मेरी यह अभिलाषा कब पूर्ण होती है। परंतु मैं ऋषि भरद्वाज का पुत्र द्रोण एक सारथी पुत्र को अपना शिष्य नहीं बना सकता। राजपुत्र के सारथी गुरु को दीक्षा दिया कर राज यज्ञ को कलंकित करने की चेष्टा न करो दुर्योधन।